मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे, अब आपने घर का रिश्ते, जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियाँ। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ, पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करना है। इस सिलसिले में हम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट स्टार से, डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट सेलिब्रिटीज से आपको मिलवाते रहते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी होती है, बल्कि अपने शोबे में रहते हुए भी उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत होती है। आज मैं एक प्योरली लाहौरी मुंडा और मुंडे के बाद एक मैं कैसे इंसान, मैच्योर इंसान के साथ आपकी मुलाकात कराऊंगा, जिसको आपने सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़्यादा अपीयरेंस के साथ देखा होगा। जो भी पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूज़ करता है तो कोई इंसान ऐसा नहीं बचा होगा जिसने, जो कि असद शेख साहब को ना जानता होगा। असद शेख साहब का तारुफ अगर मैं कराऊँ तो वैसे तो एक प्योरली वो लाहौरी है, फूड लवर है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी उनका तल्लक रहा है, और फैशन इंडस्ट्री से भी रहा है। उनके ज़िंदगी के मेरी तरह बहुत ज़्यादा पहलू है, लेकिन आज स्पेशली हम जिस प्लेटफॉर्म से उनसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करने के लिए असद शेख साहब से, वो फूड, और उनका एक ग्रुप है फूडीज़ के नाम से जो बड़ा एक फेमस है, और उन्हें फूड के लिए बहुत ज़्यादा, फूड इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत है असद साहब की। और एक नया ट्रेंड हमेशा वो, और लाहौर में जितने इवेंट्स होते हैं, जितनी लॉन्चिंग्स होती हैं, उसमें असद शेख साहब एक ऐसी आइडेंटिटी बन चुके हैं कि बिकॉज उनके बगैर मेरा नहीं ख्याल है कि कोई लाहौर का इवेंट कंप्लीट समझा जाता हो। जी, मेरी खुशकिस्मती है आज 118 एपिसोड होने जा रही है ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में, और मेरे साथ लाहौर की शान, लाहौर की आन, लाहौरी मुंडा, जी हाँ, असद शेख साहब मौजूद हैं ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में। हम जानेंगे उनके ज़िंदगी के वो ख्वाब जो वो बचपन में देखते थे मजंग की गलियों से होते हुए, और समनाबाद से खेलते हुए वो मालटोन कैसे पहुँचे, मालटोन से लेकर डिफेंस तक का सफ़र, और फिर पूरे पाकिस्तान में। देखते रहिए ख्वाबों से तबीयत तक ये सफ़र। जी, अस्सलाम वालेकुम असद साहब, वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीयत तक इस सफ़र में। मेरी खुशकिस्मती है असद साहब, आज मैं आपका वाकई आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम एक तो हमारी मुलाकात हुई है जी, और आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। तो असद साहब बताइएगा, ये ख्वाबों से तबीयत तक इस सफ़र में ये ख्वाब क्या था, कि ये वाकई ख्वाब था कोई, ये फूडी गैंग वगैरह? थोड़ा सा पहले तो इस पर बात हो रही आप फूडी जरा, इट्स जस्ट अ कंसेप्चुअल आइडिया कि जो बैठे बैठे बना दोस्तों के साथ। यूज़ टू टॉक अबाउट फूड ऑल द टाइम, और खानों की बातें करता रहता था। सम पीपल हैव दिस हैबिट, आई वॉज वन ऑफ दैम। आई वॉज दैट टिपिकल पंजाबी जिहड़ा रोटी खाते कह उन्हें अगली रोटी की खानी। अच्छा, ठीक है ना, दैट्स व्हाट पंजाबी इज। सो दोस्तों ने कहा नहीं यार, यू नीड टू हैव अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे यू कैन गाइड पीपल, यू नो। और मैं बड़ा हेजिटेंट, मैं क्या छोड़ो पर किसने करना है ये वो, बट वन फाइन डे फूडीज आर अस वाज मेड एंड हियर वी आर। और एग्जैक्टली 10 साल हो गए इस चीज़ को। 10 साल हो गए फूडीज आर अस को। बहुत लंबी जर्नी है फिर भी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी 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 प्लीज साहब, आई मीन अ लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स, सच्ची बता रहा हूँ, लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स, सारी रात जाग जाग के लोगों को कम्युनिकेट करना, बातें करना, गाइड करना, ये वो। कई दफ़ा रात के 2-3 बजे को मैसेज कर देते, मैं दोस्तों पावे कितों चंगे मिलन गया इस टाइम, यू नो। इट वाज लिटिल रूड टू टेक्स्ट समबडी एट दैट टाइम, लेकिन फिर भी लोगों को जवाब दिया। अभी भी कोशिश ये होती है कि जिस जिसको जवाब मैक्सिमम दे सकता हूँ मैं करता हूँ, लेकिन नाउ आफ्टर 10 ईयर्स यू कैन अंडरस्टैंड द साइज ऑफ माई इनबॉक्स, इट इज़ grown, you know, so I still go through all the messages,
और अब मैं क्या आप थोड़ा सा फ़िल्टर आउट करता हूँ, जिसको जवाब दे सकता हूँ मैं ज़रूर देता हूँ, जिसको मैं नहीं दे सकता तो मैं नहीं दे सकता। तो सर आपको इसके सेक्स का अंदाज़ा था कि ये नो, आइडिया जो आपका है? आपने कहा ख्वाबों से तबीरता को जो भी है उसके कभी ये ख्वाब सोचा नहीं था। आई नेवर थॉट ऑफ इट। दिस वॉज शुगल में कुछ चीज़ चालू की थी और वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टुडे foodies are us now known to be the pioneer in food tourism in Pakistan. No, no. In Punjab, in Lahore, in Pakistan. Everywhere in Pakistan. Alhamdulillah ke ye wo journey thi jo ek mazak mein chalu hui aur is level pe chalegi ke we are now doing the biggest food festivals of Pakistan. Theek hai. So I'm doing restaurant consultancies. We're helping restaurants launch here. I mean, ये सारा चीज़ें कभी सोची भी नहीं थी। माशाल्लाह। So, but अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। तो असद भाई, इसके लिए क्या ज़रूरी था कि कोई मज़ंगी ये करता या कोई फूड लवर या लाहौरी ये करता इनिशिएटिव लेता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आई थिंक पहली बात है, मेरे को क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। मैं एक लॉरिया प्योरली जिसको खाने का शौक है, जैसे आपको खाने का शौक है वैसे। तो मे बी आई एक्सप्रेस माई फीलिंग टूवर्ड्स फूड्स इन अ डिफरेंट वे देन एनीबडी एल्स। सो मैंने कोई कलरी स्कूल नहीं किया हुआ जी, मैं बस खाने पीने का शौकीन था। सो बचपन से था वालिद साहब के साथ, जब मैं छोटा सा था तो हम लिटन रोड रहा करते थे मजाक में, जस्ट दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ द लॉयर्स स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम। सो वालिद साहब के साथ, तब वारिस निहारी तब भी था, बाय द वे वारिस निहारी तब भी था, वारिस निहारी इज लाइक 50 पैसे खबर वाला, जी इज 50 इयर्स प्लस ओल्ड। सो वारिस निहारी जाना, मजांग में जाना, पाए खाने जाना वालिद साहब के साथ, लस्सी पीने जाना उधर अनारकली, पुरानी अनारकली जिसको पुरानी अनारकली कहते हैं, एक्चुअली दैट वाज द अनारकली, ये तो न्यू अनारकली तो बाद में आई। सो ये थोड़े से कीड़े जरा सेम जो से ना, ये जेनेटिकली पास ऑन हुए आपके डीएनए में थे, उसको चीज़ को आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से करने की कोशिश की। जिस असद शेख को मैं जानता हूँ, ठीक है, और उसका तो फैशन इंडस्ट्री से तलक था प्योरली। सत्यपाल का जब पाकिस्तान में फैशन इंडस्ट्री की बात करती है, क्योंकि हम खुद फैशन इंडस्ट्री का पार्ट रहे हैं, पाकिस्तान में फैशन को इंट्रोड्यूस कराने वालों में से असद शेख साहब भी एक हैं, तो उस असद को तो मैं जानता हूँ। वो असद फैशन इंडस्ट्री के लोग तो वैसे ही बड़े नाजुक मिजाज और बड़े होते हैं वो, और फूड लवर ये थोड़ा पाकिस्तान जो अभी नीश नहीं है यहाँ पे अभी। सो एट दैट टाइम देयर वाज नो वन सेलिंग साड़ीज, सो आई अप्रोच इंडिया। इंडिया में सत्यपाल इज अ फेमस फैशन डिजाइनर, तो हम उनके ब्रांड की फ्रेंचाइज पाकिस्तान में लेकर आए थे। वी रैन इट फॉर लाइक 3 years, बट देन लॉजिस्टिक्स वर द प्रॉब्लम। आई मीन उनको सामान को लाना ले जाना, एंड वन फाइन डे आई से लाइक दैट्स इट, आई कांट टेक इट एनी मोर। आई मीन इट्स जस्ट टू मच ऑफ अ हैसल टू ब्रिंग इन द गुड्स एंड एवरीथिंग, सो वी रैप्ड इट अप, यू नो, क्योंकि it was good fun. I mean, I used to travel to India a lot to attend the fashion shows, the fashion weeks and everything. It was good fun. Lekin ye hai ki you have to put the value of your time and money, and wo equate nahi ho rahi thi kahin. So it was more time, less money. So is was say like yaar isko wind up kiya. Maybe it wasn't for me. Dekhen, zindagi mein har cheez is not meant for you. Theek hai, jo maine chalu kiya maine kabhi socha bhi nahi tha. Theek hai, वो कहता है कि मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, वो जो सी कंडीशन वो मेरे पे अप्लाई होती है, यू नो, वो चीज़ मेरे पे सूट करती है कि यार कि मैंने आई स्टार्टेड माय यूनिवर्सिटी एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है, आई केम आउट ऑफ माय यूनिवर्सिटी एज अ मार्केटिंग एंड फाइनेंस मेजर, यानी कि आई कुड नॉट फिनिश माय इंजीनियरिंग, आई स्टार्टेड माय फर्स्ट बिजनेस इनटू एल्यूमिनियम अलॉयज मेटल्स में, ठीक है ना, फाइन, डिडंट स्टडी इन कॉलेज, लर्न्ड इट, फाइन, यू नो, 3-4 years बहरीनी पार्टनरशिप फेल अपार्ट, वी वर टेकन फॉर राइड, एंड इफ यू आर नॉट टेकन फॉर राइड इन द मिडल ईस्ट यू आर नॉट बैप्टाइज, यानी कि तानू उन्होंने धक्का लाने लगा। सो बट एनी वे देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ, यू नो, टेक्सटाइल प्रोजेक्ट।
सो देयर आई लर्न अबाउट टेक्सटाइल्स. ठीक है, अब आप सोचे इंजीनियरिंग, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, मेटल्स, टेक्सटाइल्स, रोटी. सो ये इंसान के बस में नहीं होता, कपड़ा भी हो गया, सब कुछ भी हो गया, रोटी दे. सो आई थिंक गॉड हैज हिज ओन वे टू फाइंड अ वे फॉर यू. ठीक है, आपको पता भी नहीं होता कि वो किस तरफ से चीजें हो रही हैं, कौन सी मिस्टीरियस फोर्सेस दे आर वर्किंग टू पुश यू टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. एग्जैक्टली, और मेरे साथ वही हुआ. सो बट आपका स्टार क्या है असद भाई? आई एम स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के लिए तो वैसे भी उसके नेचर में ऐसी चीजें, इस तरह के एक्सपीरियंस करना, तके खाना, तके खाना नहीं, इस तरह के एडवेंचर्स करना. नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नो रिग्रेट टुवर्ड्स एनीथिंग. अच्छी बात है, माशाल्लाह. दैट्स व्हाट द एक्सपीरियंस इज, दैट्स यू नो व्हाट मेक्स मी व्हाट आई एम टुडे. Maybe that, all that, you know, bouncing around made me a better man. I don't know. Maybe it did, you know, and I'm sure it did. Because I look back myself 30 years ago and I look now and I say, yeah, I made some mistakes, but I think I've learned from it. Part of life. Yeah, yeah, but I learned from it. So as long as you learn from your mistakes, that's what matters. Sir, later road se chalne wala ek bachcha और समनाबाद के गलियों से होता हुआ माल्ट और माल्टों से लेके डिफेंस, उसके जो ख्वाब थे बचपन के, वो उसको इस फूड इंडस्ट्री के ज़रिए उसके ख्वाब समझता है कि मेरे वो ख्वाबों की ताबीर मिल गई, कुछ ऐसा हुआ है कि नहीं, कि अभी वो सफ़र जारी है, जारी रहेगा? जितनी चीज़ें आपने बताई है अभी, उसमें आपकी सेटिस्फेक्शन भी मैं समझता हूँ कि नहीं होती बार दफ़ा? देखें, आपका स्टार भी ऐसा है कुछ. मैं जब छोटा था, आवाज you know, वो कहते हैं ना कि I wanted to become a fighter pilot so much, so badly, कि I wanted to be in Air Force. ठीक है, good. मैंने, वो कहते हैं ना, किस्मत जहाँ पे आपको ले जाना चाहे वो आपको किस्मत वहीं लेके जाती है. So I cleared all the exams, then I was doing the medical for आपका होता है ये cadet होता है, I forgot the name of the program. I'm flat-footed. That was the first time I found out I'm flat-footed. So when they were doing the medical, उन्होंने कहा बेटा आप नहीं जा सकते फौज में. I was heartbroken. Oh my God. I wanted to be a pilot. ठीक है, but बचपन से जो मेरी एज के बंदे हैं उनको पता होगा कि भी we are the ones. I've seen 1971 war. I was a child. ठीक है, लेकिन मुझे याद है, अच्छी तरह याद है. सो दो वॉर इज़ बैड एंड ब्लडी एंड ब्रूटल, लेकिन सम हाउ दैट यू नो इट फैसिनेटेड मी कि मेरे ऊपर से जूम करके जहाज डॉग फाइट करते गुजर रहे थे, यू नो, एंड आई वाज़ लाइक आई वांट टू बी दैट गाय, यू नो, फ्लाइंग दैट फाइटर जेट. लेकिन वो खुदा ने कोई और प्लान से बजाय उतरे उड़न दे थले बैठ के रोटी खा के जहाज बन रहे हैं. जहाज बन रहे. गुड, वेरी नाइस. जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं ख्वाबों से तबीर तक के सफर में असद शेख साहब. इस समय हम एक स्मार्ट सा ब्रेक लेंगे, मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. मेरे रिश्तेदार थे वो वेरी वेल ऑफ, वेरी वेरी वेल ऑफ. ठीक है, लेकिन किसी ने पास खड़े नहीं होने दिए. ऐसे होता है, ये नेचुरल है, ये. किसी ने पास खड़े नहीं होने दिए कि कुछ मांगना ले. ठीक है ना, आज देता तो कल फिर देना पै जाएगा, इनू देता तो फिर उन्होंने भी देना पै जाएगा. सो लेकिन खुदा का शुक्र है कि मुझे खुदा ने किसी के दर से नहीं दिया. सो आई वेलकम बैक नाज़रीन ख्वाबों से तबीर तक, पावर्ड बाय मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज. असद शेख साहब आज हमारे गेस्ट है, स्माइलिंग फेस हमेशा की तरह हंसते हुए. असद साहब, माशाल्लाह इस जो आपके ये ग्रुप है फूडीज का, इसने नो डाउट, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुझे बाहर जाने का इत्तेफाक होता रहता है आपकी तरह. काफ़ी मेरी भी ट्रैवलिंग है, मैं दुबई में, लंदन में, मैं जहाँ भी गया वहाँ की लेडीज़, एक वक्त होता है यंगस्टर्स को ना पाकिस्तान के फैशन मैगज़ीन उनके हाथ में होते थे, उनको पाकिस्तान के फैशन के लिए, पाकिस्तान के जितने यहाँ पे ज्वेलर्स थे और ब्यूटी सलून से, उनका पता होता था. और आज अगर उनको किसी चीज़ का अवेयरनेस है, वो है एक फूडीज आपका जो जी हाँ आर एस का. सर, एक तो आपने उनका बड़ा मसला हल किया है पाकिस्तान के फूड्स के लिए, यानी कि उनको अवेयरनेस हुई है कि पाकिस्तान में भी कुछ अच्छा खाने को मिलता है. लोगों को पता नहीं था पहले, लोग समझते थे यहाँ पर ट्रेडिशनल वही चीज़ें हैं, और लोगों को नए से नए फूड्स का पता चलता रहता है, आपके अवेयरनेस जो होती है. लेकिन एक परसेप्शन ये भी है दूसरी साइड से,
कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते आज का अच्छा खाना, अच्छी होटलिंग वगैरह, उनको वो आपकी वो पोस्टें देख के माइट भी उनके ऊपर कुछ गुजरती हो फॉर यानी कि दैट इज नेचुरल। आपको क्या पता कई चीज़ें मैं देखे मेरे दिल पे क्या गुजरती हो ठीक है ना, बट यही है कि इंसान हमेशा अपने से ऊपर ही देख रहा होता है, वो बेचारा नीचे नहीं देख रहा होता कि यार कि मैं किन्या तो चंगा है ठीक है ना। सो इट्स ऑलवेज बीन द नेचर। मेरे बाप ने मुझे चीज़ सिखाई थी कि बेटा ऊपर देखने से पहले ज़रा नीचे देख लिया, नीचे देख लिया, क्योंकि नीचे देखो तुम्हारे नीचे कौन कौन है, कैसे वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, और अल्लाह ने जो तुम्हें मुकाम दिया है उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो। सो मैंने अपना जिस हालत में भी गुजरा हूँ, और मैं बड़े हालातों में से गुजरा हूँ, ज़िंदगी मेरे लिए आसान नहीं थी हमारे सर पे एक छत छोड़ी और हमें तालीम दी ठीक है। आई वॉज इन माई फाइनल सेमेस्टर इन कॉलेज इन अमेरिका व्हेन ही पास्ड अवे, मेरी ग्रेजुएशन हुई 2 महीने पहले। वेरी बैड। मैं सब कुछ छोड़ के, यानी कि मैं ग्रेजुएशन करके मैं सब कुछ छोड़ के अमेरिका में वापस आ गया अपनी फैमिली के पास, और मैं अपनी माँ और बहनों से, अम्मी तो अब जिंदा नहीं है लेकिन उनसे मैं हंसता था, मैं कह यार लोगों की मावा जेवर वेच के पुत्र बाहर भेज देंगे तुम वापस बुला लेते हैं जोक। सो बट आई केम बैक फॉर दैम एंड आई केम बैक नथिंग। मेरे रिश्तेदार थे वो वेरी वेल ऑफ, वेरी वेरी वेल ऑफ ठीक है, लेकिन किसी ने पास खड़े नहीं होने दिया। ऐसे होता है, ये नेचुरल है, ये किसी ने पास खड़े नहीं होने दिया कि कुछ मांगना ले ठीक है ना। आज देता तो कल फिर देना पै जाएगा, एनू देता तो फिर उन्होंने भी देना पै जाएगा। सो लेकिन खुदा का शुक्र है कि मुझे खुदा ने किसी के दर से नहीं दिया सिवाय अपने। सो कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि इस मुकाम पर आऊँगा ठीक है, अल्लाह हैज़ बीन काइंड, दैट्स अबाउट इट। तो सर मैं इसीलिए वो कह रहा हूँ ना, जब अल्लाह ताला ने आपको दे दिया होता है बहुत कुछ, और फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए जिसको हम CSR कहते हैं ठीक है, और अभी वो उसके लिए कुछ करना चाहिए होता है और करना चाहिए भी ठीक है, क्योंकि सोसाइटी ने हमें दिया बहुत कुछ। मैं उसी तरफ आता हूँ कि वो लोग ऐसे भी है जो आपके वो जो आपका ग्रुप है उस पर जो पोस्टर लगती है, मेरे पास इस तरह की चीज़ें आती रहती है, लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ये जरूरी नहीं कि हर बंदा ही होटलिंग कर सकता हो, हर बंदे अच्छा खा सकता हो। तो देखें मैं नहीं बात करता, ये जारी बात है, नेचुरल ह्यूमन नेचर है कि जो उसके पास चीज़ नहीं है उसको ज़्यादा कदर होगी, विश होती है ठीक है। आई विश आई कुड फीड एवरीबॉडी यू नो दैट काइंड ऑफ फूड, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में नहीं है ठीक है। सो बट आई कैन गाइड देम, दैट इज़ इन माय कंट्रोल ठीक है। हाँ आई कैन रिक्वेस्ट समबडी सम रेस्टोरेंट्स टू अरेंज सम डील ठीक है, यार डील लगा दो इस वीकेंड पे, लगा दो डील लगा दो ताकि लोग आके अफोर्ड करें। बट देखें जहाँ तक CSR की कंसर्न है ना, वी एज अ ग्रुप, वी नॉट अ ग्रुप, वी आर अ कम्युनिटी ठीक है। मैं बड़े प्राइड सोशल कम्युनिटी, या आई बड़े प्राउडली कहता हूँ मैं कि यार कि ये मेरी कम्युनिटी है और मैंने अपनी आँखों से देखा है और किया है। यहाँ पे किसी को इलाज के लिए पैसे चाहिए और उनके पास पैसे नहीं हैं, खुदा की कसम एक मैसेज डाला है और इमिजिएटली उस बंदे के अकाउंट में डायरेक्ट जाते हैं ठीक है। I don't get myself involved in money matters or whatever. मैं कहता हूँ ये बंदा है, pinpointed, verify करते हैं यार वैसे केस सही है। There was a case, I remember, एक student थी, उस बेचारी का वालिद साहब की डेथ हो गई थी, बेचारी यतीम थी, तो उसका लम्स में एडमिशन हुआ और लम्स में उसको स्कॉलरशिप भी दी हुई थी, लेकिन लम्स का यार एडमिशन फ़ी तो आपको देनी पड़ेगी, उसको 3 लाख रुपये था उस बेचारी का, उसको चाहिए था। दिस वॉज बैक 2-3 years back. उस मुझे किसी ने अप्रोच किया कि मेरी सहेली है तो प्लीज़ अगर आप कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ हेल्प हर आउट ठीक है, तो उसका एडमिशन नहीं होगा। सो आई पोस्टेड और साथ अकाउंट नंबर भी आया, मैंने उसे बिल मंगवाया, मैं कि मुझे बिल भेजो क्योंकि मनी इज़ नॉट गोना बी ट्रांसफर टू यू, मनी विल बी ट्रांसफर टू लम्स डायरेक्टली टू लम्स ठीक है बिल्कुल ठीक। आप यकीन करेंगे कि उस पोस्ट के 5 मिनट के अंदर 5 या 10 मिनट मैक्सिमम लगे होंगे, हर फी वॉज पेड एंड ऑन टॉप ऑफ इट 3 लाख रुपए उसके लिए लगा, लोगों ने इकट्ठा करके दे दिया कि बेटा ये तेरे माशाल्लाह तेरे फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए। सो ये CSR देखिए, अब
अब मैं इन माई कैपेसिटी यही कर सकता ना, मैं उन देखा मंडन बड़ी बात है ना, पायन में देखा मंडन तो रहा, ठीक है ना, वो आई कांट डू दैट, आई विश आई कुड डू, ठीक है ना, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना, जो मेरे बस में है, ठीक है, वो तो मैं गया तो मैं भी आपको कहूँगी यार आपके महल में आप रोजाना चेक करते हैं कि आपके हमसाए साहब को रोटी मिली है कि नहीं मिली, आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, पॉसिबल भी नहीं, ठीक है ना, सो जो आपके बस में वो उसको आप कर सकते हैं, सो जो मेरे बस में वो मैं ज़रूर करता हूँ। सर न्यू स्टार्टअप्स के ऊपर यानी कि ये जो आपका ग्रुप है इसके हवाले से अगर किसी लेडीज़ ने करना हो जी जी तो वो किस तरह से आप उसके लिए हेल्प आउट थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा सा बताइएगा, या वो क्या देखें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करे आपसे, मुझे तो करते रहते हैं मैं तो, दिस इज़ ये नहीं कि मुझसे नहीं होता, ठीक है, आई गेट कॉन्टैक्टेड एवरी डे, ओके, आई मीन बाय मैनी पीपल। तो आप क्या चार्ज करते हैं उसमें? देखें दिस इज़ माई ब्रेड एंड बटर नाउ, यू नो के कंसल्टेंसी इज माय ब्रेड एंड बटर, बट डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड, डिपेंडिंग इन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। हां नवे के कार बैठे छोटा गरीब है उसको तो नहीं मैं करता है, उसको तो मैं कभी भी नहीं करूंगा, जितने भी होम बेस्ड हैं उनको तो फ्री ऑफ चार्ज मैं कंसल्ट करता हूं, गाइड करता हूं, ठीक है ना, और इवन आई अगर मुझे खाना अच्छा लगता है इवन पोस्ट अबाउट इट, ठीक है, ताकि उनके बिजनेस को बूस्ट विदाउट एनी यानी कि नो नथिंग एट ऑल, लालच लूज, ठीक है जी, ओके जी, फाइन, नो नेवर मेरिट बेस के ऊपर आपके ना, मेरिट बेस पे जो मैंने आज तक 10 सालों में कभी भी वो रिव्यू नहीं लिखा कि जो मुझे चीज पसंद ना आई हो, यानी दिल से किया, दिल से, जो अगर नहीं पसंद आया तो नहीं लिखना ही नहीं। आई इन 10 इयर्स आई हैवंट रिटन अ बैड रिव्यू, यानी और ये नहीं कि मेरा बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ रेस्टोरेंट्स में, मेरे बड़े बड़े बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं, ठीक है, अगर मैं किसी की सुथन उतारने पे आऊँ तो मैं किसी एक रिव्यू लिख दूँ तो रेस्टोरेंट मेरे लिए ऑब्वियसली बंद हो जाएगा, बट देयर इज अ सेइंग विद ग्रेटर रिस्पांसिबिलिटी कम विद ग्रेटर पावर्स कम ग्रेटर रिस्पांसिबिलिटीज। अगर अल्लाह ने आपको एक पावर दी है तो उसको पॉजिटिवली यूज करो, अगर सुपर पावर को मिली है तो उसको इन अ गुड वे यूज करो फॉर ह्यूमन बींग्स। अगर मैं आज नेगेटिव रिव्यूज करना लिखना चालू कर दूँ, लाइक बड़े लोग हैं जो ये करते भी नहीं, ले मैंने पैसे दोगे तो नहीं तो मैं तुम्हारा रिव्यू पान लगा जे, ऐसी ठीक है ना, नो ऐसे कोई काम नहीं। देखें जो किसी रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम है उनको उसी टाइम देर एंड देन बता दो कि भाई ये आपका इशू, उसको हाईलाइट कर सकते हैं एग्जैक्टली कि इसको फिक्स कर लें क्योंकि ये आपको ट्रबल देगा, कोई कस्टमर को आगे पसंद नहीं आएगी। सो आई थिंक दैट इज़ पार्ट ऑफ द कंसल्टेशन कह लें या जो भी आप इसको कहना चाहें, यू नो कि गाइडेंस कह लें, वो उसी टाइम रेस्टोरेंट्स को बता देते हैं भाई। और मैं तो अपना बड़ी दफ़ा मेरे साथ हो चुका है कि कभी मेरा ख्याल है मेरा आपका शायद इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं होगा खानों का रेस्टोरेंट में जितना मेरा हो चुका है। डेफिनेटली आपका ज़्यादा मुझसे है, मुझे अंदाज़ा हो रहा है, ठीक है। अच्छा साहब एक चीज़ और है, पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है इस वक्त देखते हैं आप, क्योंकि माशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री काफी ग्रोइंग हुई है पहले से ज्यादा, एक देखें ट्रेंड है इसको, आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा क्रेडिट फूडी जरस को दे दें, ठीक है ना, फूडी जरस हैज बीन द ब्रिज बिटवीन द कंज्यूमर एंड द रेस्टोरेंट ओनर्स, ठीक है, ये अगर ना होता तो रेस्टोरेंट ओनर्स को पता ही नहीं होना था पायन साढ़े लिए नाल मसले की ने, ठीक है ना, ओके, मसले मसाइल जो भी हैं तारीफ भी है वो यहाँ पे ही होती है, यहीं से दुनिया देख के अपना ओपिनियन मेक करते हैं अबाउट एन ईटरी, ठीक है, सो इज अ लॉट बैंकिंग अपॉन रेस्टोरेंट्स बिजनेस ऑन फूडी जरस, ठीक है, और कोशिश हमारी यही होती है कि यार कि दुनिया नेगेटिव नेगेटिविटी जितनी भी छोटी छोटी बातों पे नेगेटिव रिव्यूज आए थे, बाय द वे आजकल इजी है ये सबसे इजी जॉब है, सबसे क्रिटिसिज्म इज द मोस्ट इजीएस्ट जॉब ऑफ ऑल, ठीक है ना, घर से बैठ के आपने कहा कीबोर्ड पे चार लाइन लिखना ठा मारती अगले तो भावे करोड़ों का काम क्या होगा वो नहीं पता, उसका करोड़ों का काम जाए ठक करके नीचे गिर जाए, बट यस देयर आर, देखे घर भी अब जब खाना पकता है तो मेरे घर में मेरी बेगम पकाती कई दफा कैसा हो जाता नमक तेज हो, ठीक है ना, नमक तेज हो जाता बंदा आप क्या करें, उसे लड़के आ रहे प्लेट तोड़ दे क्या करें, नो यू हैव टू टेल देम यार ये मसला था खत्म होगी बात, ठीक है ना, अगर आपको नहीं पसंद आया तो आपको नया बना देंगे रेस्टोरेंट वाले, तो इमीडिएटली नया बना के देते हैं, जितना टाइम आप रिव्यू लिखने में लगा रहे हो उतने टाइम में आप रेस्टोरेंट को कह दो यार बैठे बैठे वहीं पर कह दो यार ये मसला है तो आपको रिप्लेस कर देंगे, बट नो सम पीपल प्रेफर टू राइट सो दे कैन गेट सम अटेंशन दैट्स अबाउट इट। जी नाज़रीन आप देख रहे हैं ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में असद शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इस वक्त टाइम हुआ एक छोटे से स्मार्ट ब्रेक का, मिलते हैं हम आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। इस साल ऑफ कोर्स विल बी ब्रिंगिंग आवर फूड फेस्टिवल अगेन बट वी विल बी ब्रिंगिंग इन अ न्यू वे और देयर आर कपल मोर प्रोजेक्ट्स
related to food industry in the pipeline, of course. Ji, welcome back, Nazreen. ख्वाबों से तबीर तक के सफर में असद शेख साहब मेरे साथ मौजूद है. असद भाई. जी सर. आगे क्या करना है? अभी तो ख्वाब बहुत सारे हैं ना, मंजिलें बहुत सारी है बकौल इकबाल के. देखें, a lot is in the pipeline. अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि इस साल ऑफ कोर्स विल बी ब्रिंगिंग आवर फूड फेस्टिवल अगेन, बट वी विल बी ब्रिंगिंग इन अ न्यू वे. और देयर आर कपल मोर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू फूड इंडस्ट्री दे इन द पाइपलाइन ऑफ कोर्स, वो भी आ रहे हैं. तो इंशाल्लाह लेट्स सी क्या होता है. चलें, सबसे अच्छी बात ये, मैं अगर इस बात के अगर सोच के हम बात करें कि पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री की, जब कोविड आया था जी जी, तो कोविड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी. अभी भी कुछ इस तरह की चीज़ें आगे एक्सपेक्ट की जा रही है जिस हिसाब से दुनिया का ग्लोबल यानी कि वार्म, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे. तो आप समझते हैं कि अब दोबारा से फूड के ऊपर, फूड इंडस्ट्री के ऊपर इस तरह का कोई टाइम आ सकता है, टफ टाइम इससे हम गुजरेंगे? देखें, टफ टाइम्स आर ऑलवेज देयर, हमेशा आते हैं. उनमें से सर्वाइव करके कौन कौन निकलता है उनकी किस्मत पे होता है. ड्यूरिंग कोविड टाइम्स आई थिंक देयर वाज अ वर्स्ट टाइम ऑन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, क्योंकि आपके डाइन इन बंद हो गए होते. द ओनली पीपल सर्वाइव जिनके टेक अवे थे या डिलीवरियाँ थी, ठीक है, कई बंद हो गए, कई स्ट्रॉन्ग रहे, खड़े रहे. अल्लाह ना करे कि पेंडेमिक दोबारा कोई आए, जो मुझे नहीं लगता कि आएगा. लेकिन इससे हुआ क्या है कि इससे ये हुआ है कि कभी रेस्टोरेंट्स, अब क्या हुआ है कि कभी जो शॉपिंग मॉल्स है ना, शॉपिंग मॉल्स में रेस्टोरेंट खोलने से घबराते हैं. उसकी वजह यही है कि उसकी वजह से ना कि अल्लाह ना करे कोई हो, सबसे पहले शॉपिंग मॉल पे गिरता है, एंड उसे बंद करो, एंड बंद करो, ठीक है. और अभी भी रेस्टोरेंट्स का क्लोजिंग टाइम इन्होंने 11 बजे किया, जो मेरी समझ से बाहर है. आज तक नहीं समझ के जी ये रेस्टोरेंट्स आर कॉजिंग पोल्यूशन, और रेस्टोरेंट्स आर द कॉज ऑफ पोल्यूशन. टिक्के कबाब बनते हैं, यू नो, दुनिया गाड़ियों में चल के आती है रेस्टोरेंट, तो दिस कॉजेज पोल्यूशन. सो रेस्टोरेंट्स को 11 बजे बंद कर दो यार, कम ऑन, यू नो, ये कहीं भी नहीं है दुनिया, दुनिया में कहीं नहीं है. 11 बजे के बाद तो यानी कि आप पोल्यूशन कंट्रोल करनी है, प्लीज कम अप विद स्ट्रिक्ट लॉज अबाउट फार्मर्स, जो फसलें जलाते हैं उनको पकड़ें, उनको हैवी फाइंस करें. आपने पोल्यूशन कंट्रोल करनी है, आप दो दिन पेट्रोल पंप बंद कर दें, आपकी पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगी. दुनिया को पता चल जाएगा यार राशन करके मैंने गाड़ी कैसे चलानी है, ठीक है, पेट्रोल वैसे राशन होना, आपका इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा. बाय द वे, देयर यू गो, हैव यू लूजिंग 30% ऑफ द रेवेन्यू आफ्टर 11 o'clock. रेस्टोरेंट्स का 30% बिजनेस लॉस है आफ्टर 11 o'clock, ठीक है ना. सो उससे गवर्नमेंट भी तो टैक्स कमाती है भाई, तो 30% ऑफ द रेवेन्यू लॉस है गवर्नमेंट को. तो प्लीज़ कुछ समझाएं इनको. बट एनी हाउ टफ टाइम्स आते रहेंगे. ये जैसे पेंडेमिक बाय ये टफ टाइम, करंट ये टफ टाइम है गिवन बाय द गवर्नमेंट, बाय द वे ये किसी 11 o'clock, ये मैन मेड जो उनसे टफ टाइम है जो है उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैटर इज इन द कोर्ट. और लेकिन ये है कि भाई प्लीज़ आप ये सोचें कितने लोग अनएम्प्लॉय हो गए हैं इस चक्कर. नो नो, एक शिफ्ट उड़ गई है रेस्टोरेंट्स की इज बिकॉज दे हैव टू शट डाउन एट 11. उन्होंने एक शिफ्ट खत्म कर दी, उन्होंने कहा फिर असं दो शिफ्ट रखे की करना, यकीनन वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए. सो टफ टाइम आते रहेंगे सर. आजकल भी तो आया हुआ ना, आपका डाटा बंद हुआ है, नेट बंद हुआ है, फूड पांडा जितने ऑर्डरिंग है आपके, तुम्हारी आईटी इंडस्ट्री के ऊपर सब बैठे हुए चुप करके, हाथ पे हाथ धर के सारे राइडर बैठे हुए. सो टफ टाइम आते रहेंगे सर, इन वन शेप और द अदर. असल भाई, मैं भी आपकी तरह खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, आपका अंदाज़ा ही होगा इस बात का. मुझे ये बताइए, अच्छा पालक गोश्त कितों मिलेगा? लोहरिया वाला मेरे करो थोड़े करो नहीं, बट जोक्स असाइड, मैं इसके सर्च कर करके सर मैं जो वो पर थक बड़ा बड़े खा लिए, लेकिन मुझे कहीं पर ये क्वालिटी ये वाली मैं आपको बताऊं कि देर आर 2-3 होम बेस्ड शेफ्स जो बड़े कमाल का बनाते हैं, और एक दो हैं जो देगी बड़ा अच्छा बनाते हैं, ठीक है ना. सो आई वुड प्रेफर गोइंग टू दोज गाइस. अगर आपको छोटी क्वांटिटी में चाहिए देन विरसा द फूड हेरिटेज इज वन ऑफ देम. नंबर टू आपका जो सा है रख रखाव, ये भी होम बेस्ड है, उनका बहुत अच्छा पालक गोश्त है. रेस्टोरेंट्स में मेरी नज़र में इन दोनों का खान बाबा से भी बेहतर, जो खान बाबा मशहूर है, खान बाबा इसमें स्पेशलिटी उसकी ये, ट्रस्ट मी, नो 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 कुछ ऐसा नहीं, नो नो नो, ये दिस इज़ फार बेटर. ये बड़ी दूर तक लोग आपकी आवाज़ को यानी कि बाय ऑल मींस अगर आपने ज़रा थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी में बनवाना है तो
बहुत पहले मैंने खाया था और मुझे इतना मज़ा आया था। वो डीन केटरिंग वाले हैं, डीन लाहौर के पुराने हैं, डीन केटरिंग वाले, उनका पालक गोश्त कभी आप खाएं, इट इज टू गुड। एक और है हमारे भाई हैं, उन्होंने चालू किया हुआ है कजाफी स्टेडियम में अल फैसल कैनर्स, ये कैनिंग फूड कैनिंग करते हैं, उनका उधर भी शॉप है, उधर शाहजमाल में भी है और कजाफी स्टेडियम में। यार वो पालक बनाते हैं बीफ में, बोनलेस बीफ में पालक गोश्त, और कमाल की बनाता है, ठीक है। तीसरा जो करेगा वो जीटी इवेंट्स वाला, वो भी देगी करता है। हाँ बाय द वे, इधर से आपको अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वांटिटी में भी, मतलब आप थोड़ी सी लेना चाहे वो भी मिल जाएगी अल्फैसल से, ठीक है, या आप होम बेस कर लें या आप अल्फैसल वालों से ले लें। सर इस मैं ट्राई करूँगा, लेकिन सीरियसली मुझे तो लाहौर में, बल्कि मैंने एक दफ़ा फजल हक का बड़ा नाम सुना था, इनसे टेस्ट भी किया था, लेकिन ये भी बनाते हैं पालक गोश्त भी बनाते हैं स्पेशलिटी, बल्कि खान बाबा के यहाँ भी ट्राई किया, लेकिन वही वाली बात मुझे नहीं, वो मुझे टेस्ट नहीं मिला जो हम खाया करते थे। अलॉट हैज चेंज्ड, देखें सैडली वो भारी पन और वो फूड कॉस्ट को कवर करने के लिए अलॉट ऑफ शॉर्टकट्स दुनिया जो सीना करने लग पड़ी है। आई बिलीव इन दोज पीपल हु सर्व क्वालिटी फूड, और मैं बड़ा पिकी हो गया हूँ, मैं कहाँ से खाना खा सकता हूँ, अपनी फैमिली को खिलाऊँ, ठीक है, बल्कि हर को कहता हूँ यार लोगों को वो खिलाओ जो अपने बच्चों को खिलाओ, बच्चों को खिलाते, बिल्कुल सही है। और यही फ़र्क है इंटरनेशनली जब हम किसी चीज़ को डिस्कशन में लेकर आते हैं कि बाहर का फूड जब हम उससे कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पर ये आप ये जो आपकी सोच है ना कि वही खाओ, तो ये उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है 100% वहाँ पर। देखें हमारे इधर फूड इंडस्ट्री में बहुत लूप होल्स हैं, वो आपको ज़्यादा पता है, अंदाज़ा बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं। लूप होल्स इन अ सेंस कि द लॉज आर नॉट एज हार्श एज अब्रॉड, ठीक है, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप एक टिड्डा भी निकला है ना यहाँ से, उसी टाइम शट डाउन, ठीक हैवी फाइंस या फ्यूमिगेशन कराओ, एक हफ्ता बंद रहो, फिर जाकर कहीं चालू हो सकते हो। यहाँ पे निकला कर दो, कोई गल नहीं पाए, तड़े को बिल नहीं ला गया, तड़े को बिल नहीं ला गया, कोई गल नहीं पाए, गलती ना लोगे, कोई गल नहीं, ये नॉर्मल है यहाँ पे। देखो आप लोगों की जिंदगियों से खेल, जिंदगी से लेट्स नॉट डू दैट, ठीक है। चलें होपफुली आपने कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर दी इसके साथ साथ, और मुझे उम्मीद है कि आप इस ये जो आपका ग्रुप है जो कि माशाल्लाह एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है, इसके थ्रू आप यानी कि अवेयरनेस कम्पेन्स और लोगों को गाइड भी करते रहेंगे, और ये सदका जारी रहेगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है, बिल्कुल। और आखिर पर असद भाई, कोई एक ऐसा मैसेज जो आप पाकिस्तानियों को फूड के हवाले से देना चाहे, ओके, क्योंकि लोग आपको सुनते हैं, सुनना चाहते हैं, प्यार करते हैं लोग आपसे। वी लव टू फ्यू थिंग्स, नंबर वन, एवरी यंगस्टर वांट्स टू गेट इनटू फूड इंडस्ट्री, इट लुक्स वेरी ग्लैमरस बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट, इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज बिहाइंड दोज वॉल्स, इट्स ग्लैमरस इन द डाइनिंग हॉल बट इन द किचन इट्स नॉट। And the highest failure rate of a business in the world is in a restaurant business. Pakistan mein shayad usse 5-10% zyada hi hai. Zyada hi hai. Dusri, main ek request karunga sabse. Jab aap kisi restaurant mein jayein, kisi buffet wagaira pe jayein, ya shadiyon pe jayein, khuda ka waasta, utna khana plate mein dalein jitna aap kha sakte hain. It all goes to waste. Don't do it. है पाकिस्तान में कुछ चीज़ वेस्ट नहीं जाती, वो भी आगे आपकी जो छोड़ी हुई बोटियाँ छोटी हैं ना, वो आगे वो बिक जाती हैं, वो कोई शोरमे में डल जाती है, वो किसी पुलाव में, हाँ सब कुछ होता है, ठीक है, इस मुल्क में सब कुछ होता है, उसकी हड्डियों से फिर यखनी बनेगी, फिर पुलाव बनेगा। सो प्लीज़ उतना खाएँ जितना आप डालें प्लेट में, जितना आप खा सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ गुनाह, आपको अंदाज़ा नहीं कितना गुनाह है इसका। वेस्ट ऑफ मनी भी है ये, वेस्ट ऑफ मनी, देखे रिज़्क का ज़िया सबसे बड़ा, पैसा छोड़ें जी, लानत भेजें पैसे पे, लेकिन रिज़्क का ज़िया उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं, वो तो हम हदीस भी है ये, इसमें कोई शक नहीं है। असद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाईजान, और आज आप मेरे स्पेशल गेस्ट है मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज के, उन्होंने आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भेजा है जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप हमारे सफर में सरिया नहीं सर सरिये वर्गा है, तो सर ये हमेशा आपको याद दिलाएगा कि आप बाबू से तबीर तक के सफर में हमारे गेस्ट थे। आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन आप देख रहे थे ख्वाबों से तबीयत तक ये सफ़र, जो कि आज असद शेख साहब हमारे मेहमान थे। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगी। अगली सफ़र तक मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।
मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे? अब्बा आपने घर क्यों बेच दिया? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।